ये ऐसे अच्छा, बड़ी शांति लग रही है आज तो। राधे राधे। सर्विसिंग कराने जा रहे हैं भैया आज, देखते हैं खुला मिलेगा तो ठीक है, सर्विसिंग करा लेंगे आज, क्योंकि बहुत जरूरत है, राइड पे निकलना है। और अभी आने वाली वीडियोस में आपको पता चलने वाला है क्या धमाका होने वाला है मेरी लाइफ में। कल के ब्लॉग में तो आप लोग बोलोगे ये क्या चालू है, ये कहाँ जा रहा है भाई। फटाफट फटाफट मैं जा रहा हूँ सर्विसिंग कराने के लिए। देखता हूँ, सर्विसिंग मेरे को नहीं करानी है, 15,000 किलोमीटर पे मैंने सर्विसिंग कराई थी, लेकिन मुझे क्या कराना है आप लोग जानते हो, चैन की आवाज़ आ रही है उसको ठीक कराना है। अभी जस्ट एक मैसेज अपलोड हुआ है इंटरनेट पे, वायरल हो रहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। महाराष्ट्र के नासिक में धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव मामले संख्या बढ़कर 39 हो गई है, ये देश में सबसे ज़्यादा है। चलता हूँ सर्विसिंग के लिए। अपना ध्यान रखें, हाथ पैर धो के रखें और सुरक्षित रहें भाई। मैं निकल गया हूँ सर्विसिंग कराने के लिए। पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी क्योंकि मैंने मास्क पहन रखा है। मैंने सुना है ये जो वायरस है ये हवा में नहीं रहता है, ये या तो किसी चीज़ पे रहेगा, जैसे इस धातु पे, इस जगह पे लगा रहेगा ये बैक्टीरिया, और उससे मेरे हाथ में आएगा, और मेरे हाथ जैसे ही मैं मुँह पे लगाऊंगा तो वो मुझे हो जाएगा। तो गवर्नमेंट यही बोल रही है हाथों को मुँह से ना लगाएं और हाथों को बार बार धोएं। इसका रीज़न यही है कि ये किसी धातु पे रहता है, ये हवा में नहीं रहता है। तो मास्क लगाने की उसको ज़रूरत है जिसको ये जो बंदा इससे इन्फेक्टेड है। फिर भी अगर मास्क लगा रहा तो वैसे भी प्रदूषण तो हो ही रहा है यार, तो ठीक है लगा सकते हो। घर पे जाके हाथ धोने हैं, जब भी बाहर निकलो वैसे ही घर पे जाके हाथ धो बस, और कुछ नहीं करना। ज़्यादा भीड़ भड़ाके में नहीं रहना है, इन्फेक्टेड चीज़ों को नहीं छूना है। अगर ये चीज़ को आपको लग रहा है कि ये किसी चीज़ को आप छू रहे हो, किसी चीज़ को मत छूओ बाहर, कोशिश करो कम से कम छुओ, और छुओ भी तो कुछ देर बाद अपने हाथ धो लो और हाथ को मुंह पे ना लगाओ, बस इतनी सी सावधानी से हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। ओ ये कौन सी रॉयल इनफील्ड खड़ी है भाई, बड़ी शांति लग रही है आज तो। अरे बंद है क्या, देखते हैं होना चाहिए चालू, 4-5 दिन और बंद रहेगा। गवर्नमेंट के बंदे आके चेक करके गए हैं, कुछ दिनों तक और बंद रखेंगे। इस गाड़ी को मैं बाहर से देख रहा था, सिंगल सीट लगा रखी है, रॉयल इनफील्ड, और ज़बरदस्त दे रखा है यार इसको। गन मेटल खड़ी है, स्टैंडर्ड खड़ी है, बाकी पूरी की पूरी मैट BS6 की तो ये पहचान हो गई है। अभी बंदा सीधा साइलेंसर पे देखता है BS6, अपनी BS6 मेरे ख्याल से ये हिमालयन BS6 होगी। ये देखो भाई साहब, ये BS6 की पहचान हो गई अभी, ये हिमालयन एक नंबर है यार। इस पे बैठ के देखो यार, एक ना अच्छी लग रही है, सही है, हैंडल थोड़े ऊपर दे रखे हैं इसके, मतलब पोजीशन जो है वो एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट पोजीशन, मतलब इसका लुक अच्छा आ रहा है यार। ये ऐसे ऑफ रोड भी चला सकते हो, ऐसे ऑन रोड भी चला सकते हो। अच्छा, मैंने कि शॉकअप से सस्पेंशन है वैसे इसमें भी है। हां, हिमालयन मिक्स करके बनाया है, हिमालयन और ये रेगुलर जो रॉयल इनफील्ड है, मतलब दोनों का ओरिजिनल मॉडल है। ओके, बुलेट में का ये ओरिजिनल इंजन या पूरा इंजन ओरिजिनल है। अच्छा, मतलब दोनों का मजा ले सकते हैं इसमें। अच्छा, ये क्वांटिटी में आती है, इसमें ग्रीन कलर का आपको चीज लगेगा। अच्छा, और कितना सीसी है? 350 ही है। अच्छा, मैंने सुना कि सर्विस स्टेशन भी बंद होने वाला है मॉल की तरह, अभी ये तो बंद है। हां, तो गाड़ी ले रही नहीं ना अभी। अच्छा, शोरूम भी अब बंद करने वाले हैं क्या? नोटिस नहीं है, वो बंदा कह रहा है कि शायद नोटिस आ सकता है। कोरोना का बहुत लफड़ा चालू है यार, कोरोना का। ये अपना मैट है ना 500, ये कितने में जाते हैं ऑन रोड? 2-22 तक ऑन रोड।
पर टोटल मैट है, सिर्फ नट बोल्ट इसके आपको क्रोम मिलेंगे, बाकी सब मैट। ओके थैंक यू। हिमालयन तो हिमालयन है, शोरूम भी बंद होने वाले हैं 31 मार्च, शायद अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल तक कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, सब अपने अपने घर बैठो। तो निकलते हैं भाई, कोई यूज़ ही नहीं है फिर, अब तो हेलमेट लगाए घूम रहे हैं, कैमरा लिए घूम रहे हैं। चलो ठीक है यार, इंटरसेप्टर, ये भी इंटरसेप्टर वाइट में। मैंने बहुत 2 दिन पहले भी फ़ोन लगाया था, सर्विस के लिए मना किया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो रही हैं। अब इसको बाहर ही धुलवा लेता हूँ भाई, सबसे बेस्ट सर्विस कराएंगे आने के बाद। वैसे भी 15,000 पे मैंने सर्विस कराई थी, 17,000 हो रहे हैं, मतलब 2,500 भी अच्छे से चली नहीं है गाड़ी। तो एक काम कराते हैं, इसको वॉश करा लेते हैं बाहर, कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप कम हो जाएगा, थोड़ी हीट ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तभी माना जा रहा है कि कोरोना का जो असर है वो कम हो सकता है। तो तब हम आएंगे और सर्विस कराएंगे। मास्क डाल लेता हूँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट। चलो भाई, मुझे पहले से शक था वैसे भी। क्या हुआ? क्या सर्विस स्टेशन तो बंद था। हाँ क्या बोले, हमने वो सब गार्डन वार्डन वो सब बंद कर, गार्डन वार्डन वो जॉगिंग ट्रैक वगैरह सब सब बंद कर दिया। तो इसलिए हाथ धोना है और भीड़ में नहीं जाना है। रुचि ड्राई फ्रूट्स भाई, किशमिश है क्या अपने पास? 3 किलो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उल्टा वॉश कराएंगे, बहुत दिनों से गंदी है, इंडिया टूर से गंदी है बेचारी, इसके कपड़े बदलते हैं आज। चलो, लाइफ में कुछ एकदम मस्त मुकाम हासिल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ जब समझ में आ जाता है आदमी को कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं होने वाला, तब कर लेना, या कुछ हो गया तो कर लेना। लेकिन भाई शादी के बाद बहुत खर्चे, दुनिया भर के खर्चे। इधर तो पानी भी पैसों का है यारा, गांव वाले सोच रहे हैं दबा के बैठा है, कमाल कर रहे हो पांडो। अरे आना यार, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पापा ने सब दबा रखा है, सैप सैप सैप। अरे भाई इधर रोज के 1,000-2,000 रुपए खत्म हो जाते हैं तुम्हारे, क्या बताऊं यार। वो नदी होती है, नदी देखी है कभी आपने? नदी के उस पार क्या दिखता है? हरी घास दिखती है, हरी घास। बस अपना भी कुछ ऐसा ही हाल है कि वो दिल्ली है और बीच में पूरा देश है, वो पूरी नदी समझ लो, और इधर है नासिक, तो नासिक में हरी घास दिखती है। जब नदी तैर के आओगे तो रेगिस्तान मिलेगा। ये सिग्नल साइलेंसर के बहुत मजे ले रहा है तुम्हारा भाई, फुलटो एंजॉय फुलटो। वैसे भी कोरोना के चक्कर में सड़कों पर कोई है ही नहीं, खासकर भीड़ जो होती है। अच्छा वो सर्विसिंग मेरी ओवर ड्यू नहीं है, अभी तो ड्यू भी नहीं है, सिर्फ वॉश करा लेता हूँ। चैन का देखेंगे भाई, चैन का पूरा वो सेटिंग ही चेंज करा लेंगे, नई चैन डलवा देंगे मेरे भाई। 2,500-3,000 और चलाता हूँ मैं इसको। मैंने और शिंदे ने ज्वाइन की स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल में जाते थे हम लोग सुबह 7 बजे, तो 7 बजे के बैच में क्या होता है, सब एजिड बंदे आते हैं और वहाँ पे आपको ये सब शब्द सुनाई देंगे जब आप सुबह सुबह का शावर लेंगे वहाँ पे, ये ऐसी ऐसी आवाज़ें आती वहाँ से स्विमिंग पूल के अंदर से, और हरी ओम राधे राधे इन सब मंत्रों का जाप होगा वहाँ पे, ओम नमः शिवाय। स्विमिंग पूल में छलांग लगाने की मजा नहीं लाइफ। राजेश यानी सुरेश कुठे गेले? क्या रे बाबा, मतलब गाड़ी भी धुलवाना बंद हो गई क्या? यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। क्या चालू है बाबा, कोई काम ही नहीं होगा, डर है घर में बैठने का क्या? भाई है क्या कोई? बंद है बाबा, वॉशिंग भी बंद है। अरे खुद ही धोले गुज्जर, खुद ही धोले। चल भाई लास्ट ऑप्शन, खुद के कंधे पे बंदूक रख के चढ़ा दे, ये मेरा लास्ट ऑप्शन रहता है हमेशा। एक से पूछूंगा, दो से पूछूंगा, तीसरा खुद ही कर लूंगा।
तू भी जगह लेगा, ले जल्दी ले। तो इसी के साथ भाइयों आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो भाई रखता हूँ अपनी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। सब बंद है, मूवी थिएटर बंद है, मॉल बंद है, नासिक में धारा 144 लग चुकी है और कोई भी इकट्ठा नहीं हो सकता, सबको दूर रखा जा रहा है। और सर्विस स्टेशन भी बंद है, शोरूम भी बंद होने वाला है, ऐसा शोरूम वालों की संभावनाएं हैं कि भाई हम शोरूम भी बंद कर सकते हैं, जैसे ही नोटिस मिलेगा हमें बंद करना पड़ेगा। हर जगह हाई अलर्ट है, पूरा इंडिया हाई अलर्ट पर है, गवर्नमेंट पूरी पूरी ट्राई कर रही है अपनी सुरक्षा करने के लिए, हमें भी कुछ मदद करनी पड़ेगी। एक जगह इकट्ठा ना हो, अपना ख्याल रखें, हाथ पैर मुंह धो के रखें, सही सलामत रहें, आसपास साफ सफाई रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। हेलो मेरा बच्चा, ओ मेरा पिचिको, ओ मेरा पिचिको, ओ तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, दोपहर हो रही है, वीडियो ऑन करूंगा रात को तीन बजे आप लोगों को पता चल जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में कि क्या होने वाला है और मैं किस चीज के ऊपर बैठूं। ये पता चलेगा आपको अगली वीडियो में किस चीज की तैयारी हो रही है, क्यों किसमिस खरीदी गई, क्यों शॉपिंग हुई गई, कल पता चल जाएगा भाई अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आदि कैमरे के ऊपर मार दे बेटा, जल्दी से मार दे। ए झुशुम।